हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको सहारा के तहत जो है यहाँ पे रिफंड प्राप्त करनी है, अगर आपके पेमेंट जो है सहारा में फंसी हुई है और उसके रिफंड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करके रिफंड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आवेदन करने से पहले जो है 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, वो आपको जो है कंसिडर करना, करने के बाद ही जो है आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। 5 पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास होने ही चाहिए। अगर आपको पांचों जो प्रोसीडियर मैं बताऊंगा वो आप प्रॉपर जो है फिल करते हैं, आपके पास है, तभी आप आवेदन करें ताकि आपका जो पेमेंट है वो आपको आसानी से रिफंड हो जाए। अगर आपको पांचों जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसमें किसी में भी अगर आपका एक फॉल्ट है तो आप बिल्कुल भी भूल के आवेदन न करें, उस जो फॉल्ट को आप दूर करेंगे उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें ताकि आपका पेमेंट जो है आसानी से मिल जाए। अगर आप डायरेक्टली जो है ऑनलाइन कर देते हैं तो आपकी पेमेंट जो है फंस सकती है, आपको पेमेंट नहीं मिल पाएंगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जो है इन 5 पॉइंट को जो है कंसीडर करने के बाद ही जो है आप ऑनलाइन आवेदन करें। तो देखिए बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में जो ये है कि आपका जो आधार कार्ड में नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो दिया गया है, बॉन्ड पेपर में जो है आपका सेम टू सेम आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो है मैच होनी चाहिए। अगर अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो उसको आप करेक्शन करवा लें। अगर होने लायक है आधार में तो आधार करेक्शन करवा लें, अगर आधार करेक्शन होने लायक नहीं है तो आप जो है बॉन्ड पेपर को जो है सहारा ऑफिस में जाकर उसको आप करेक्शन करवा लें, उसके बाद ही जो है आप ऑनलाइन आवेदन जो है करें। नहीं तो इस स्थिति में अगर नाम डिफरेंस रहेगा, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि आपका जो है आधार कार्ड जो है उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक्ड होना चाहिए, ये नेसेसरी है। अगर आपके जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, आधार मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक्ड नहीं है तो पहले आप जो है अपने आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को लिंक करवा लें, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करें। तीसरी बात है कि आपका जो बैंक अकाउंट, जो आप बैंक अकाउंट देंगे वो भी आपका आधार से लिंक होनी चाहिए, क्योंकि जो है पेमेंट जो आपका ट्रांसफर की जाएंगी आधार से लिंक बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाती है, तो उसकी स्टेटस आप पहले चेक कर लें कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको आप लिंक करवा के ही ऑनलाइन आवेदन करें, नहीं तो आपकी पेमेंट इस स्थिति में भी फंस सकती है। चौथी पॉइंट ये है कि अगर आपका अमाउंट जो है 50,000 या 50,000 से एवव है, आपको जो है रिफंड लेना है, तो उसके लिए भी जो है आपको जो है पैन कार्ड नेसेसरी है। अगर आपकी अमाउंट 50,000 या 50,000 से एवव है तो आपको पैन कार्ड, अगर आपके पास नहीं है तो पैन कार्ड को भी आप बनवा लें, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका पैन कार्ड सपोज दैट आपके पास है तो वो भी आधार से जो है मैच करनी चाहिए। पैन कार्ड में आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम आधार के अनुसार ही होना चाहिए। अगर यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उस स्थिति में भी आपकी पेमेंट फंस सकती है, तो चौथी पॉइंट ये भी कंसीडर करना है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स है तो उसको आप करेक्शन करवा लें, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। पांचवी पॉइंट ये है कि अगर आपका जो सहारा में जो है मल्टीपल कंपनियों में जो है आपका अकाउंट है, सपोज दैट आपके पास 2 अकाउंट है, तो इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन जो है नहीं करनी है, एक ही आवेदन होगा, अलग अलग आवेदन नहीं होगा। अगर आपके पास 2 से अधिक अकाउंट है, 3 है, 4 है, तो उसके लिए भी सिंपली एक ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने में जो आपका अलग अलग जो बॉन्ड पेपर है, जो आप पेमेंट रिसिप्ट है, वो आपको जो है एक ही साथ जो है PDF में बना के जो है अपलोड करना है, अलग अलग आवेदन आपको नहीं करना है। अलग अलग डिटेल्स डालेंगे, बॉन्ड का नंबर, कितना आपने इन्वेस्ट किया, किस मंथ में कितना किया, वो सब डिटेल जो है पूरी जितनी आपका रिसिप्ट है सारे रिसिप्ट को जो है आपको ऐड करना है, एक ही जगह ऐड करके सिंपली जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करेंगे, एक ही PDF में जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है। उसके लिए आप फॉक्सीट रीडर सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से आप स्कैन कर सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है एक ही फाइल में जो है आप सेव करके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मस्ट इम्पोर्टेंट 5 जो है इम्पोर्टेंट अपडेट जो आपको कंसीडर करना है सहारा का रिफंड अप्लाई करने से पहले। लोग जो है जल्दी में जो है
बिना कुछ सोचे समझे जो है डायरेक्टली जो है ऑनलाइन आवेदन करते रहें, और इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स अगर फॉल्ट है तो उस स्थिति में आपकी पेमेंट जो है होल्ड हो सकती है और आप काफी परेशानियों का सामना भी कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट जो है आप कंसिडर करेंगे, पांचों चीज आपका ओके है तो आप दम बेफिक्र जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको रिफंड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपके अकाउंट में जो है रिफंड अमाउंट आसानी से मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और सहारा से रिलेटेड और भी वीडियो जो है हमने बना रखी है उसकी डिटेल्स, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है उसकी डिटेल्स, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएंगे। मिलते हैं इसी नए इन्फॉर्मेटिव के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।